आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी की इडली की दो ऐसी रेसिपी जिसका कि टेस्ट फ्लेवर बिल्कुल ही अलग होगा और दोनों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। साथ साथ एक चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं ये रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब सूजी और साथ में डाल लेंगे 1/2 कप के करीब दही। तो 1 कप सूजी में हम डालेंगे 1/2 कप दही और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। अगर आप कटोरी से ले रहे हैं तो इसी नाप से लें, 1 कटोरी सूजी, 1/2 कटोरी दही और 1/2 कटोरी पानी। और पूरे मिक्सचर को एक बार हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने सूजी, दही और पानी को अच्छे से मिला दिया है और इस बैटर को हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि सूजी हमारी फूल जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर सूजी को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। इसमें अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि बैटर काफी थिक है। तो अभी मैं इसमें 1/4 कप के करीब पानी और डाल रही हूँ। तो ये मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे। और मैंने बैटर को अच्छे से मिला दिया है और इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है। तो इतना ही रखना है हमें बैटर को। इसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार से थोड़ा कम नमक डालेंगे क्योंकि नमक का यूज हम बाद में भी करेंगे। तो बहुत ही थोड़ा नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम नमक डाला है मैंने यहाँ पर, और मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने टोटल पानी का यूज एक बार शुरू में किया था 1/2 कप और 1/4 कप मैंने अभी किया है, तो 3/4 कप मैंने पानी का यूज किया है इसमें। और ये देखिए मैंने नमक भी मिला दिया है और इससे मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो अगर आपके पास स्टील वाला इडली स्टैंड है जैसे कि आप गैस पे रख के बनाते हैं तो उसमें बना सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे ओवन में बनाने वाली हूँ। उसके लिए मेरे पास ये ओवन वाला इडली का फ्रेम है तो मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ। तो आप इसे किसी में भी बना सकते हैं। तो ओवन में ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है इडली और गैस वाले जो स्टैंड है उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसे अच्छे से ग्रीस कर देना है और अगर आप स्टील में बना रहे हैं तो उसे भी अच्छे से ग्रीस कर दें। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है और ये जो हमने बैटर बनाया है ये इस पर हम डाल लेते हैं। तो 1/1 चम्मच ही बैटर डाल रही हूँ मैं। तो इसी तरीके से आप जो गैस पे हम बनाते हैं स्टील वाले फ्रेम में उसमें कर लें। इसके ऊपर मैं दूसरा भी लगा देती हूँ और इस तरीके से इसमें भी डाल लेते हैं बैटर। और इसे मैं ओवन में स्टीम कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने ओवन में रख दिया है इसे और केवल 5 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करेंगे। तो 5 मिनट सेट कर देते हैं और 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे। और यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो गए हैं तो मैं अब निकाल लेती हूँ इडली को इसमें से। और यहाँ पर हमारी ये सूजी इडली तैयार हो गई है तो इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप स्टील वाले में बनाकर तैयार कर लें और इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और इसमें ये निकाल लेंगे इडली। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी इडलियाँ बनाई हैं, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये दूसरा भी निकाल लिया मैंने। तो इस तरीके से हमें इडली बनाकर तैयार कर लेनी है। तो मैं ये बच्चे पे बैटर से भी इडली पहले बना लेती हूँ। सेम प्रोसेस से एक बार हल्का सा फिर से हम इसे ग्रीस कर देंगे ताकि हमारी इडली स्टैंड में इस फ्रेम में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और दोबारा से हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी इडलियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए इडली बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने इसमें खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं इसमें डाला है, ऐसी इडली होनी चाहिए। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब हम करेंगे इडली को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब काली सरसों के दाने, तो ये इसमें मैं डाल देती हूँ और अच्छे से भून जाने देंगे इसे। सरसों के दाने यहाँ पर भून गए हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ते, तो 10 से 12 यहाँ पर मैं करी पत्ते डाल रही हूँ। करी पत्ते डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को इस तरीके से मैंने लंबा लंबा कट किया है, तो इस तरीके से आप कट कर लें और अपने स्वाद के अनुसार ले लें। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है जिसके मैंने 2 टुकड़े करके कट किया है और ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च को भून लेना है इसमें हमें 1 से 2 मिनट। हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हल्का हल्का इस तरीके से हरी मिर्च को स्पैटुला से दबा देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें, ऐसे ही से फ्राई कर सकते हैं। ये हमारा हरी मिर्च अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो 2 से 2.5 गिलास के करीब यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल दिया है मैंने यहाँ पर और अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। इडली में भी हमने नमक डाला हुआ है,
तो नमक हम पानी में उस हिसाब से डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ और इसमें एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक बार सिर्फ हमें बॉयल करना है पानी को और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। तो एक नींबू का रस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, तो ये नींबू का रस इसमें डाल देंगे और ये आधा और डाल देती हूँ यहाँ पर। तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नींबू ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पानी बना है बहुत ही चटपटा सा तीखा सा पानी तैयार हुआ है ये। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो इडलियाँ हमने तैयार करके रखी है, ये इडली इसमें डाल देंगे। और डालने के 5 मिनट के बाद इसे हम सर्व कर सकते हैं। इसे हमें पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पानी भी गर्म है, इडली भी हमारी पकी हुई है। यहाँ पर मैंने सारी इडलियाँ पानी में डाल दी है और 5 मिनट के बाद इसे हम सर्व करेंगे। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इडली को सर्व कर लिया है, तो इसे पानी के साथ ही सर्व करें तभी मजा आएगा खाने में इसे। तो इस तरीके से इडली जरूर ट्राई करें, बहुत ही चटपटी सी मजेदार सी बनी है ये। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब देख लेते हैं इडली की दूसरी रेसिपी, इसके साथ मैं चटनी भी बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन रवा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब सूजी और इसके साथ ही 1 कप बेसन डाल देंगे इसमें। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में लेनी है और 1 कप के करीब ही इसमें डाल देंगे दही। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और अब करेंगे इसे मिक्स। पहले बिना पानी के इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और अब इसमें मैं डाल लेती हूँ पानी, तो थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर ये बैटर अभी काफी थिक लग रहा है, तो इसमें मैं पूरा 1 कप के करीब पानी डाल दे रही हूँ। यहाँ पर 1 कप के करीब पानी का यूज किया है मैंने इसमें और बैटर यहाँ पर तैयार हो गया है। तो इसे हम कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसमें जो सूजी और बेसन है वो फूल कर सेट हो जाए, उसके बाद हम इसकी इडली बनाएंगे। और जब तक सूजी और बेसन वाला बैटर फूल कर सेट हो रहा है तब तक हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इसमें डाल लेते हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे काली सरसों के दाने। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सरसों के दाने। सरसों के दाने यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं, इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब चने की दाल। तो ये मैंने चने की दाल डाल दी है। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे उड़द की दाल, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब ये उड़द की दाल डाल रही हूँ। दालों को अच्छे से भून लेना है। इसके साथ इसमें डाल देंगे कुछ करी पत्ते। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, ये डाल देते हैं, मोटा मोटा काट लिया है। साथ में इसमें 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, साथ में 1 बड़ा टमाटर है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इसमें डाल दी है और सभी चीज़ों को गलने तक पकाएंगे। इसमें डाल लेते हैं नमक, यहाँ पर नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके साथ यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सूखी लाल मिर्च। यहाँ पर मैं 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी, तो ये तीखी भी होती है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें, केवल हरी मिर्च से भी बना सकते हैं इसे। साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी और लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब सांभर मसाला। इससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी और इडली के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो इसे मैं कवर करके जब तक हमारे प्याज टमाटर गल नहीं जाते तब तक इसे पका लेती हूँ। और यहाँ पर चटनी को 1 से 2 बार बीच में हम चला लेंगे। यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर गल गए हैं, 3 से 4 मिनट मैंने इस मसाले को ढक के भूना है। इसे हम गैस से उतार लेते हैं और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसकी हम चटनी बना सकें। और यहाँ पर चटनी बनाने वाला पूरा मिक्सचर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ठंडा हो जाए। जैसे ठंडा हो जाएगा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमने बैटर रखा था उसे रखे हुए 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये देखिए, और ये बैटर काफ़ी थिक भी हो गया है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ इसमें और अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर को मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया है और अब इसकी बनाएंगे हम इडली, तब तक हमारा ये मसाला भी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इडली माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये माइक्रोवेव वाली इडली के मोड ले लिए हैं। आप स्टील वाले बर्तन में बना रहे हैं तो स्टील वाला ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसमें भी तो यहाँ पर माइक्रोवेव में इडली केवल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी अगर आप स्टील वाले
फ्रेम में बना रहे हैं तो 15 मिनट इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने ये इडली वाले मोल्ड भी तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद इस बैटर में डाल रही हूँ मैं इनो, तो एक पाउच के करीब इनो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इनो, अगर आपके पास पाउच है तो एक पाउच इनो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आधा चम्मच इनो इसमें डाल दिया है। और इसके बाद एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, मिला देंगे, बैटर मिक्स हो गया यहाँ पे। और अब इस बैटर को डालते हैं इडली वाले मोल्ड में। तो यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसमें एक एक काजू लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम ये बैटर डाल देंगे और कर लेते हैं इसे स्टीम। और जब तक हमारी इडली स्टीम हो रही है तब तक हमारा ये मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो इसमें एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसकी चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। इसके साथ इसमें डाल देंगे पानी। तो जैसे भी थिकनेस आप चटनी की रखना चाहते हैं उसके अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये चटनी अभी भी काफ़ी थिक लग रही है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। और चटनी को निकाल लेते हैं एक बोल में। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। चटनी यहाँ पर तैयार हो गई है और हमारे इडली भी स्टीम हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी इडली भी बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। तो यहाँ पर इडली को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडली को निकाल लिया है और ये देखिए हमारी बहुत ही स्पॉन्जी सी इडली बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से बचे हुए बैटर से हम इडली बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमारी इडली और चटनी की रेसिपी तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, रात के डिनर में बनाइए। बहुत ही कम तेल से ये तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से बेसन और सूजी की इडली और ये चटनी। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं।